तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड। जब पिछले दिन जिसने टेस्ट दिया है साइंस का एएलपी और टेक्निशियन ग्रेड 3 के लिए, दोस्त उन सब का स्कोर कार्ड आ चुका है प्लस टेस्ट पेपर आ चुका है। तो क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं पहले टेस्ट पेपर फिर स्कोर कार्ड देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आप लोग जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हैं टेस्ट के लिए, दोस्त वो लोग क्या करेंगे कि डेमो टेस्ट जाकर के दे लीजिएगा, उस पर डेमो टेस्ट एक्टिव है। ठीक है, मैंने रात को ही क्या किया है कि एक्टिव कर दिया है डेमो टेस्ट, तो उस टेस्ट को आप एक बार दे लीजिएगा, उससे पता लग जाएगा कि किस तरह का उस पे टेस्ट होता है किस तरह का नहीं है, कैसे देना है डेमो टेस्ट ये जान लीजिए आप। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं कि ये है, यहां से क्या कीजिएगा कि ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कुछ ऐसा खुल करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट है तो ये डेमो टेस्ट है, डेमो टेस्ट में आपको इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है टेस्ट खुल जाएगा, एप्लीकेशन में जाइएगा तो। ठीक है, तो यहां से क्या कीजिए कि डेमो टेस्ट आप दे लीजिएगा ताकि आपको अनुमान लग जाए कि किस तरह का है। उसके बाद जो है सेकेंड टेस्ट आपका जो है 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा इस पे 7 बजे से। ठीक है, तो देर नहीं करना है, जो लोग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखे हैं वो लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि डेमो टेस्ट दे ही लीजिएगा। इसमें हम क्या करते हैं कि अभी जो 20 इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हम स्कोर कार्ड दिखाते हैं कि किस तरह का स्कोर कार्ड है, क्या आज कौन है जो टॉप पे है, नंबर 1 पे है बने हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिएगा ये टेस्ट पेपर का क्या है कि पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्त, सारे केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि डिग्री सेल्सियस में बदलना है। डिग्री सेल्सियस में बदलने पे ये ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कितना कितना केल्विन दे दिया है, 308 केल्विन दे दिया है, 329 केल्विन दे दिया है, 391 केल्विन दे दिया है, इस सभी को क्या करना है कि डिग्री सेल्सियस में बदलना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, डिग्री को सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, ध्यान रखिए केल्विन को डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री को केल्विन बदलने के लिए। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि अगर केल्विन रहेगा तो केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 डिग्री केल्विन होता है। तो इसमें हमको क्या है कि 308 केल्विन है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ले जाइएगा तो 273 क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो ये सभी में से क्या कीजिए कि 273 के डिग्री केल्विन जो है माइनस कर दीजिए, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 308 में से अगर आप माइनस करते हैं 273 तो कितना आ जाएगा दोस्त, 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसी तरह से 329 है, 329 केल्विन में से आप माइनस कीजिएगा 273 तो आपको 56 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसी तरह से 391 में से माइनस कीजिएगा 273 तो आपको 118 डिग्री आ जाएगा। तो 35, 56, 118 इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा डिग्री सेल्सियस में, वही मेरा करेक्ट होगा। तो देख लीजिए इसमें से कौन है, 35, 56, 118, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। हाँ, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती कर लिए हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है शीतलन प्रभाव उत्पन्न करती है। बहुत सारे लोगों ने गलती किया है, गलत ऑप्शन टिक किया है। ठीक है, बहुतों ने मार दिया है इसमें संघनन, दोस्त संघनन नहीं होगा। संघनन क्या होता है कि वायु जो ऊपर जाती है या बादल बनती है तो संघनन बन करके वो क्या होती है कि बारिश के रूप में बरसती है, तो इसमें गैस जो है क्या होता है ना कि द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन शीतलन प्रभाव आपको उत्पन्न कौन करता है, ठंडक कौन सा महसूस कराता है, तो ध्यान रखिएगा आपको ठंडक जो महसूस कराता है ये सेकेंड नंबर वाष्पीकरण होगा। आप देखिएगा कि पेड़ के छां के नीचे अगर जाइएगा तो क्या होगा कि ठंडा महसूस होता है। घरे में हम अगर मिट्टी वाले घरे है पानी रखते हैं, उसमें क्या होता है कि मिट्टी के घरे में पानी ठंडा होता है, किस वजह से होता है, वाष्पीकरण से होता है। तो ये वाष्पीकरण ही मेरा क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा शीतलन प्रभाव के लिए, ध्यान रखिएगा, ना कि संघनन। आदमी संघनन मार दिया है जो गलत है। ठीक है, संघनन नहीं होगा दोस्त, इसमें आपका वाष्पीकरण होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे जो है पदार्थ का रूप नहीं माना जाता है। जी हाँ, बहुत लोग इसमें भी गलती किए हैं, बहुत लोग गलती किए हैं, परमाणु मार दिए हैं कि परमाणु पदार्थ का रूप नहीं माना जाता है। ध्यान लीजिए कि हर एक पदार्थ में परमाणु मौजूद होता ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें हमको क्या है कि पहले तो जान लीजिए कि पदार्थ होता क्या है। तो जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है वही ना पदार्थ कहलाता है। तो इसमें जो है परमाणु हर एक कण में, हर एक पार्टिकल में परमाणु मौजूद होता है, पानी भी है आपका, कौन सा नहीं है जान लीजिए कि ये थर्ड नंबर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जो है ये पदार्थ नहीं होता है, ह्यूमिडिटी पदार्थ नहीं होता है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि सिर्फ ह्यूमिडिटी की ही बात नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एनर्जी, ऊर्जा, ये भी पदार्थ नहीं है।
ठीक है। प्रकाश हो गया, लाइट, ये भी कोई पदार्थ नहीं है। साउंड जो उत्पन्न होता है ये भी कोई पदार्थ नहीं है। तो ये सब क्या है कि पदार्थ में नहीं आता है, ठीक है। अब बहुतों ने परमाणु मार दिया है, जो गलत है दोस्त, परमाणु नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें कि जब द्रव को तेजी से क्या होता है कि घुमाया जाता है, तो उसमें इससे क्या होता है कि उसमें कण जो होते हैं वो नीचे की ओर क्या होता है कि धकेल दिए जाते हैं और हल्का कण ऊपर आ जाता है, जिससे तो उस सिद्धांत के प्रयोग को क्या कहा जाता है। देखिए जब क्या होता है कि द्रव को तेजी से आप हिलाइएगा तो उसमें क्या होगा कि जो है छोटे कण जो होते हैं वो नीचे जो है धकेल दिए जाते हैं, नीचे जाकर के बढ़ जाते हैं, हल्का कण जो है ऊपर आ जाता है। तो ये जो होता है दोस्त, ये होता है अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जिसको कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट नंबर मेरा होगा। और इसी सिद्धांत पे क्या होता है ना कि दोस्त आपका दूध, दूध से क्या होता है ना कि मक्खन निकाल लिया जाता है, या दूध से कहिए कि फैट निकाला जाता है, ठीक है, इसी सिद्धांत पे। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई एक नया तरीका है इस तरह से क्वेश्चन पूछने का, तो इसको इस सबको क्या करना है कि ध्यान में रखना है, किसी भी तरह से घुमा के आपको दिया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है उपधातु नहीं है। जी हाँ, उपधातु नहीं है यह कहा जा रहा है। तो पहला देख लीजिए कहता है कि ब्रोन, दूसरा सिलिकॉन कहा जा रहा है, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है जर्मेनियम, और चौथा कहता है टंगस्टन। कौन जो है उपधातु नहीं है, उपधातु नहीं है आप जान लीजिए। करेक्ट आपको हम आंसर बताते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में आता है, ब्रोन जो है धातु में है, जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर में आता है, ब्रोन भी आता है, ठीक है। इसमें कौन जो है नहीं है उपधातु, आपको हम बताते हैं कि यह टंगस्टन नहीं है। क्या है? टंगस्टन नहीं है, टंगस्टन बिल्कुल उपधातु नहीं है। टंगस्टन का यूज कहां किया जाता है आपको पता ही है, बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यह टंगस्टन क्या है कि उपधातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, यह कहा जा रहा है कि यदि हम कपूर को क्या किया जाता है कि खुले बर्तन में अगर रख देते हैं तो उसकी मात्रा धीरे धीरे घट जाता है और वह किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होता है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, धूप में रख दीजिएगा गायब हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो उस घटना को क्या कहते हैं दोस्त, उस घटना को क्या कहते हैं। पहला देखिए, क्या वो बाष्पीकरण से गायब हो जाता है, या दूसरा नंबर वर्षा की वजह से, या तीसरा नंबर कहा जा रहा है संघनन की वजह से, चौथा कह रहा है उत्पादन की वजह से। किसकी वजह से कपूर बाहर अगर वातावरण में रख दीजिएगा तो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ध्यान रखिए। आपको हम बताते हैं करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त, ये उर्ध्वपातन होगा। अब उर्ध्वपातन कपूर का सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है, क्यों माना जाता है जान लीजिए। उर्ध्वपातन कहते किसको है पहले तो ये समझ लीजिए। उर्ध्वपातन होता क्या है कि जब कोई ठोस को अगर गर्म कीजिएगा तो क्या होता है कि वो द्रव में बदलता है, फिर उसको गर्म कीजिएगा तो वो गैस में जाके कन्वर्ट होता है, यही तीन अवस्था में जाके कन्वर्ट होता है। लेकिन कपूर को अगर ज्यादा आप गर्म कीजिएगा तो वह द्रव में ना आकर के डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और जब कोई वस्तु सीधा ठोस से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब उसको उर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। कपूर में ऐसा गुण पाया जाता है, कपूर ऐसा गुण दर्शाता है। तो अगर धूप में अगर खुले वातावरण में अगर कपूर को रख देते हैं तो वह द्रव में आकर के सीधा क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये क्या होगा आपका उर्ध्वपातन, ये दिखाएगा, सब्लिमेशन दिखाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, सब्लिमेशन की क्रिया हो जाती है कपूर में, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी जो है सुचालक होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है अधातु। ऐसे जनरली आपको देखा जाए तो अधातु क्या होता है ना दोस्त कि विद्युत का कुचालक होता है, उससे करंट प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन इसमें एक ऐसा अधातु है अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें कौन जो है कंडक्टर है यह कहा जाता है। तो पहला देख लीजिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है कि धातु है, सिलिकॉन धातु है। इसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर आपको कहा जा रहा है ग्रेफाइट, और चौथा कह रहा है सोना। तो इसमें अधातु जो है कौन है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि विद्युत का चालन होता है, चालक होता है, ये ग्रेफाइट जो होता है जो पेंसिल में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट क्या होता है कि विद्युत का चालक होता है, अच्छा चालक होता है, जनरली उसे करेंट प्रवाहित नहीं होता, लेकिन ये ग्रेफाइट से होता है, तो ये अपवाद में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है कि जब दो तरल पदार्थ को क्या होता है कि आपस में नहीं मिलते हैं तो वो क्या होते हैं कि अलग अलग जो है परतें बना लेती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी है, तेल है, उसको जब रखिएगा आपस में तो वो नहीं मिलेगा, तो वो दोनों क्या होता है कि अलग अलग परत बना लेता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है। पहला देख लीजिए, पहला इसमें क्या कहा जा रहा है कि मिश्रणीय तरल पदार्थ कहते हैं। मिश्रणीय तरल पदार्थ अगर कहते हैं तो वो दोनों आपस में मिल जाता है, लेकिन मिलता नहीं है, अलग अलग परत बना लेता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि अमिश्रणीय तरल पदार्थ होगा, तो जी हाँ, यही सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट होगा अमिश्रणीय तरल पदार्थ। ठीक है, अमिश्रणीय तरल पदार्थ कहने का मतलब क्या होता है कि अमिश्रण मतलब दोनों मिलेगा नहीं, अलग अलग ही रहेगा। आ ये अलग अलग किस वजह से होता है, तो जब दो पदार्थों का रासायनिक गुण अलग अलग होता है तो वह दोनों क्या होता है कि अलग अलग ही रहता है, दोनों मिश्रण होता नहीं है। जब दो द्रव है और दोनों का रासायनिक गुण बिल्कुल डिफरेंट है तब वो मिलेगा नहीं, लेकिन दोनों का रासायनिक गुण अगर सेम होगा तो वो आपस में क्या होगा कि मिल जाएगा। जैसे कि दूध ले लीजिए, पानी ले लीजिए, तो दोनों का रासायनिक गुण सेम होता है, ठीक है, तो वो दोनों आपस में मिल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दूध है कि पानी है। लेकिन वही तेल को अगर आप पानी में मिला दीजिए तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रासायनिक गुण डिफरेंट होता है। तो रासायनिक गुण पे डिपेंड करता है तरल पदार्थ के कि वो आपस में मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक यू या एक एमयू कहा जा रहा है, एक यू या एक एमयू का मतलब क्या होता है ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको हम बताते हैं कि एक एएमयू कहिए या एक एयू कहिए, वो जो होता है परमाणु द्रव्यमान का इकाई होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान का इकाई होता है। अब वो परमाणु द्रव्यमान का इकाई एक प्रोटोन या एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रोटोन और एक या एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब वो जो होता है वो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। कार्बन के परमाणु के 12वें भाग के बराबर होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली पैदा करने के लिए इसमें से किसका जो है आइसोटेप का जो है उपयोग करते हैं। तो जब भी जो है क्या होता है कि न्यूक्लियर में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है तो उसमें से इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम दे दिया है तो यूरेनियम दे दिया है 235, क्या इसका इस्तेमाल करते हैं, या आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं, या थर्ड नंबर दे दिया है कोबाल्ट 60 का, या चौथा दे दिया यूरेनियम 238 का। दोस्त किसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको हम बताते हैं कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए। तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, यूरेनियम 235, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड साहब थे वो प्रकीर्णन प्रयोग में क्या कर रहे थे कि अल्फा कणों का प्रयोग कर रहे थे, तो अल्फा कणों का प्रयोग का स्रोत क्या था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि रदरफोर्ड जो अल्फा कणों से क्या किए थे, प्रयोग किए थे सोने के पतली पत्थर पर, क्या किए थे अल्फा के कणों से आघात कराए थे, तो उन्होंने उस समय परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, तो यह कहा जा रहा कि अल्फा किरण जो है उसका स्रोत क्या था, कहां से निकल रहा था, तो दोस्त वो जो था हीलियम के नाभिक से निकल रहा था। किससे? हीलियम के नाभिक से। ध्यान रखिएगा, यह थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, हीलियम का नाभिक स्रोत था अल्फा कणों का, अल्फा कण का जो स्रोत था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए कहता है कि आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, किसका आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो पहला देख लीजिए, पहला आपको ऑप्शन दे दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल होता है, या गोल्जी क्रम का, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का, या चौथा दे दिया है प्रोक्सीसोमकस का, किसका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है वो होता है दोस्त ये फर्स्ट नंबर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इसके फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दुर्घटना के शिकार में क्या होता है ना कि उसका हड्डी जो है टूट जाता है, खिसक जाता है हड्डी से। तो इसमें हड्डी अगर खिसक जाता है तो इसमें संभावित है कि क्या टूटा होगा उसका। ठीक है, कहता है फर्स्ट नंबर की टेंडन टूट गया होगा, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि कंकाल के मांसपेशियां के ऊतक जो है टूट गए होंगे, या तीसरा कहा जा रहा है कि लिगामेंट टूट गया होगा, या चौथा आपको कहा जा रहा है कि एरियोलर ऊतक टूट गया होगा। दोस्त टूटा क्या होगा अगर एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसकी हड्डी टूट गई है। ध्यान रखिएगा, जब आपको तो पहले जान लीजिए दो तरीका से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो जान लीजिए, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हड्डी को कौन जोड़ता है, ये जान लीजिए पहले। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, ये जान लीजिए। तो हड्डी अगर टूटा है तो स्वाभाविक बात है कि हड्डी से हड्डी जुड़ा होगा, तभी हड्डी टूटा है। तो हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम इसमें से कौन करता है, ये हमको याद रखना है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है वो लिगामेंट करता है, ध्यान रखिएगा। तो स्वाभाविक है कि दुर्घटना अगर हुआ होगा तो उसका लिगामेंट ही टूटा होगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि लिगामेंट। और जान लीजिए, ये जो आप टेंडन देख रहे हैं ये हड्डी को मांसपेशी, या मांसपेशी को हड्डी को जोड़ने का काम करता है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देता है कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है या हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। लिगामेंट अगर टूट गया तो लिगामेंट के टूटने से आपको चलने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में तकलीफें हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि बॉडी को स्ट्रेंथ खड़ा करके एक मजबूती प्रदान करके रखता है लिगामेंट। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, घुमा करके पूछा जा सकता है आपसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक गन्ना का पौधा है, मान लीजिए उसका क्या किया जाता है कि सिरा काट दिया जाता है, फिर भी गन्ने का क्या होता है कि वृद्धि होते रहता है, विकास होते रहता है, वो किसकी वजह से होता है, गन्ना में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से वो डेवलप करता है, विकास करता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। तो पहला देख लीजिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि कैम्बियम पाया जाता है, या सिर्फ उत्तक जो है आपका उत्तक होता है वो पाया जाता है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि पार्श्व मेरिस्टिक उत्तक पाया जाता है, या चौथा नंबर कह रहा है कि इंटर कैलोरी मेरी मेस्टिक पाया जाता है, ये पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी गन्ने का या किसी भी पौधे का, मान लीजिए कि अगर उसका शीर्ष कर दे, तो शीर्ष में जो पाया जाता है ना, ये सेकेंड नंबर शीर्ष दिग्विजयोग तक पाया जाता है ऊपर में, लेकिन वही उसको काट दिया जाता है, फिर भी क्या करता है ना कि पौधे विकास करते रहता है। वो किसकी वजह से करता है विकास, जान लीजिए कि ये फोर्थ नंबर किसकी वजह से, इंटरकैलरी मेरी स्टेम की वजह से, इंटरकैलरी मेरी स्टेम की वजह से क्या होता है कि वह गन्ना आगे बढ़ते रहता है, विकास करते रहता है, वृद्धि होते रहता है उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दे दिया की परिस्थितियों में अनुधार्ज तरंगे उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, तो कौन सी परिस्थिति में कर सकता है ये हमें बताना है। तो पहला देख लीजिए कि एक चमगादड़ दे दिया है, दूसरा स्क्लिंकी दे दिया है, और तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि ट्यूनिंग कांटा दे दिया है, चौथा नंबर आपको दे दिया है, इसमें से कोई नहीं। कौन है जो आपको अनुधर्ज और अनुप्रस्थ तरंग दोनों उत्पन्न करती है, तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि ये सेकेंड नंबर होगा, क्या स्लिंकी, स्लिंकी जो होता है दोस्त वो अनुधर्ज अनुप्रस्थ दोनों तरंगे उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रॉकेट के कहता है कि उड़ान में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो वह किस किस सिद्धांत पे उड़ता है। पहला नंबर देख लीजिए, पहला कहा जा रहा है आपको कि जड़त्व के आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है, या दूसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, या तीसरा दे दिया कि न्यूटन के तीसरे गति के नियम के सिद्धांत पे काम करता है, या चौथा कहता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के सिद्धांत पे काम करता है। दोस्त रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉकेट जो होता है दोस्त वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, जानते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब संवेग संरक्षण जान लीजिए कि होता आखिर क्या है, कभी कभी जान लीजिए पूछ देता है संवेग किसको कहते हैं, तो संवेग का फॉर्मूला जो होता है पी बराबर एम इंटू वी होता है, मतलब कि मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। इससे पता क्या चलता है कि वस्तु अगर गति में है तो उसको रोकने में कितनी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, ये इससे पता चलता है। अगर रॉकेट उड़ रही है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ रही है, जो उसके द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल के पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसको रोकने के लिए हमें कितनी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। दूसरे नंबर बात जान लीजिए संवेग संरक्षण, संरक्षण का कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि या तो वो तो उसको न तो निर्माण किया जा सकता है न तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि क्या कर सकते हैं उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही ना होता है संरक्षण का, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण हो, चाहे संवेग संरक्षण हो, कोई भी संरक्षण हो। तो संवेग संरक्षण में दो या दो से अधिक पिंड का कुल संवेग जो होता है ना वो स्थिर हो ही होता है, कॉन्स्टेंट होता है, दो या दो से अधिक पिंडों का आपका कहिए कुल संवेग जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे ही क्या होता है कि काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अपनी ऊंचाई के 2/3 भाग क्या है कि तक के भरी हुई क्या है कि पानी की एक टंकी है जो एक समान गति से चलती जा रही है, अचानक मान लीजिए कि उस पर अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो टंकी का पानी किधर छलकेगा, आगे छलकेगा कि पीछे छलकेगा कि बस ज्यों का त्यों रहेगा या कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा उस पर, कहां पे छलकेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि टंकी के अगर मान लीजिए पानी का ऊंचाई उसका 2/3 अगर भरा हुआ है, अचानक अगर गाड़ी का ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने पर वो क्या होता है कि जड़त्व के नियम का पालन करता है, तो क्या होगा कि उसमें जो पानी रखा होगा वो तो गाड़ी के साथ मोशन में बनता रहता है, जैसे गाड़ी ब्रेक लगाएगी पानी वो क्या होगा कि गाड़ी के गति के साथ ही गति में रहती है, गाड़ी ब्रेक लग जाता है लेकिन उस पर जो पानी रहेगा उससे ब्रेक नहीं लगेगा, वो आगे गति की ओर ही बढ़ना चाहेगा तो वो आगे की ओर ही छलक जाएगा, ध्यान रखिएगा कहां छलकेगा, आगे की ओर छलकेगा। तो ये क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, आगे की ओर छलक जाएगा,
ठीक है, अब रुकी हुई है, पानी भरी हुई है, अचानक अगर चलेगी तो पानी किधर छलकेगी, तब पीछे की ओर छलक जाएगी, तब वह रेस्ट पोजीशन को बनाए रखना चाहेगी पानी जो है सो, लेकिन गाड़ी गति में बनना चाहेगी तो गाड़ी गति में जाएगी, जबकि पानी रेस्ट पोजीशन में रहेगी तो वो पीछे ही चले जाएगी, तब पीछे छलक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोनों तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जड़त्व के नियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है कि एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के थ्रू क्या करते हैं कि आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है चंद्रमा को आकर्षित करता है वो किस बल के अकॉर्डिंग जो है उसको क्या करता है कि अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पहला देखिए, पहला नंबर आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से आकर्षित करता है, क्या ये सही है, या दूसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा द्वारा लगाए गए समान बल के द्वारा जो है आकर्षित करती है, क्या ये सही है, या तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से कम जो है अनुभव करके जो उसको आकर्षित करती है उस पे जो है क्या करती है कि एक दूसरे को आकर्षित करती है, या चौथा नंबर आपको कहा जा रहा है इसमें कि चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल से संबंधित है ही नहीं, तो दोस्त है क्या। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता दें कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे को जो आकर्षित करते हैं तो चंद्रमा जितनी बल लगाती है उसके बल के समान क्या होता है कि काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, चंद्रमा द्वारा लगाए गए बल के समान जब बल लगता है तो क्या होता है कि वह रोटेट करता है, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर, या एक दूसरे को क्या होता है कि एक दूसरे को आकर्षित करते रहता है चंद्रमा और पृथ्वी जो है सो, तो ध्यान रखना है इसे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये चीजें कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कवक रोग जो है पोल्ट्री जो है पक्षियों के अधिक आयु का कारण जो है क्या मृत्यु का कारण बन जाती है, अधिक मृत्यु का कारण बनता है इसमें से किसमें, तो ये जान लीजिए कि पोल्ट्री वाले पक्षी जो होते हैं उसमें इसमें से कौन सा रोग जो हो जाता है जिसके कारण अधिकांशतः जो है डेड होते चले जाते हैं। तो पहला देख लीजिए प्लोरियम दे दिया है इसकी वजह से, या दूसरा दे दिया है क्लोरिजा दे दिया है, या तीसरा नंबर दे दिया है रिक्टस की वजह से, या चौथा नंबर आपको दे दिया है इसमें एस्पिलोरोसिस की वजह से, किसकी वजह से। ध्यान रखिएगा, आपको हम बताते हैं कि पोल्ट्री वाले जितने भी पक्षी होते हैं उसमें जो रोग होते हैं प्लोरियम होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर प्लोरियम रोग की वजह से क्या होता है ना कि पक्षियों का जो है डेथ अधिक हो जाता है। इसमें होता क्या है ध्यान लीजिए, ऐसे अगर देखा जाए तो ये रिक्टस भी होगा, लेकिन रिक्टस किसकी वजह से होता है, ये प्लोरियम की वजह से होता है। प्लोरियम की वजह से क्या होता है ना कि पक्षियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, उसमें सूखा रोग हो जाता है, रिक्टस भी हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, जान लीजिए रीढ़ की सूजन हो जाता है, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हो जाती है पक्षियों में जिसकी वजह से क्या होती है कि उसकी डेथ हो जाती है पक्षियों की। तो पोल्ट्री वाले जो है पक्षी में ये इसकी वजह से प्लोरियम की वजह से क्या होती है कि डेथ होती है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं हम, ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी जो है विकास बोर्ड, ठीक है, दूध का जो बोर्ड होता है, वो क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेयरी कार्यक्रम जो है तैयार किया गया था, ठीक है, आजादी के बाद, तो उसमें जो फ्लड ऑपरेशन किया गया था, फ्लड ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देगा आपको कि फ्लड ऑपरेशन किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है, या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से ही संबंधित है, तो इसके जनक कौन थे ये जान लीजिए, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो कई तरह से इसको क्वेश्चन बन सकता है, बना सकते हैं, लेकिन चलिए इसी में आप बहुत सारे जो है आपको क्वेश्चन बन जाएंगे कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, या श्वेत क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति के जनक क्या है, या ऑपरेशन फ्लड का जनक क्या है, ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जान लीजिए कि उसके जनक इसमें पूछा जा रहा है कि कौन है कौन नहीं है, किसका फादर कौन है ये, तो ध्यान लीजिए आपको हम बताते हैं कि देख लीजिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला दे रहा है कि डॉक्टर जो है आपका, चलिए आंसर ही बताते हैं आपका, ये आंसर जो है ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर बी कुरियन ही क्या थे कि ये श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं, ठीक है, इन्हीं के समय में शासन कहते हैं, इन्होंने क्या किया था कि ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ठीक है, तो ये दूध के उत्पादन में बहुत ज्यादा उस समय क्या हुई थी कि वृद्धि हुई थी, इसलिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसको जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं ना दोस्त कि देख लेते हैं हम स्कोर कार्ड कि आज किसने कितना नंबर लेकर के आया है, सबसे टॉप पे कौन बने हुए हैं, ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक, क्या देखिएगा स्कोर कार्ड, बाकी तो एप्लीकेशन पे बता ही दिए हैं कि कैसे डेमो टेस्ट देना है, तो आज तक दे दीजिएगा, आज तक उसमें डेमो टेस्ट का आपका लिंक एक्टिव रहेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे टेस्ट देना है, आपको बता ही दिए हैं, बाकी एप्लीकेशन पे जो है 10 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्कोर कार्ड दिखाते हैं, यह है अपना स्कोर कार्ड, परसेंटेज है इधर जो है अपना देख लीजिए कि
लिस्ट है नाम। आज जो है दोस्त जो हर बार बने रखते हैं फर्स्ट नंबर पे, आज इनके भी जुड़े में कोई नहीं है। कौन है? तो ये संजय कुमार यादव है जो प्रयागराज से है, 90% यानी कि 20 में 18 नंबर लेकर के आए हैं। अब इन्हें पता होगा कि कहां 2 नंबर इन्होंने मिस किया है। तो दोस्त कहां मिस किए हैं आपको हम बता ही दिए हैं, आपको पता ही होगा। चलिए सेकेंड नंबर पर देख लीजिए, इनके भी जोड़े में आज को नहीं है, केसरी जी है जो सेकेंड नंबर पे है। ये क्या है कि दोनों कंपटीशन लगाए रहते हैं, कभी ये फर्स्ट में आते हैं केसरी जी, कभी जो है संजय भाई। ठीक है, तो चलिए संजय भाई आज जो है फर्स्ट नंबर पे है, 90% लेकर के आए हैं, 18 नंबर। केसरी भाई जो है 85% यानी 17 नंबर। उसके बाद जो है विकास, विकास कुमार जो बॉक्सर से है, ये 80% में आपका जो है दो तीन लोग है। देख लीजिए पहले नंबर पे तो ये विकास कुमार जो आपका कहां से है, बॉक्सर से है। दूसरे नंबर पे है रोहित जो गुज्जर जो राजस्थान से 80% में। उसका गुड्डू यादव जो सारण से है, ये है अपना 80% पे। उसके बाद चलिए 75% पे बताते हैं। 75% में जो नंबर एक पे है, पता ही नहीं है नाम की क्या है, के सीधा दे दिए, फेक आईडी से बना दिए हैं। दूसरे नंबर देख लीजिए, दूसरे नंबर राहुल यादव है जो नालंदा से है। ठीक है, इनका के वाले का नाम हटा दिया जाएगा, इनको नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जो है आपका देख लीजिए, बता दिए हैं आपका क्या है कि राहुल यादव है जो कहां से है, नालंदा से, ये 75% लेकर के आए। उसके बाद 70% में देखिएगा, 70% में जो नंबर एक पे है, कभी कभी हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही आ जाती है, शिशुप्रिया जो सहरसा बिहार से, ये 70% लेकर के आई है। उसके बाद जो है अरविंद कुमार जो कहां से, सीतामढ़ी से, हमेशा हट बेचते मेरे लिए, थैंक यू दोस्त। तो ये क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं, देख लीजिए उसके बाद जो है आपका 70% में जो है रंजन भाई है, रंजन पांडे जो नवादा से, ये भी हट पे जाए, थैंक यू दोस्त। ये 65% लेकर के आए हैं। तो 65% वालों का देख लीजिएगा लिस्ट में नाम जो है, नंबर फर्स्ट पे 65 में है रंजन पांडे जो नवादा से। दूसरे नंबर पे है राजीव देख लीजिए, राजीव वर्षी जो है मुजफ्फरपुर से 65% लेकर के आए। उसके बाद रेहान पूर्णिया से आई है 65% में। बिक्कू कुमार, बिक्कू है कैमूर से आई है, बिक्कू कैमूर से है, ये 65% लेकर के आए। उसके बाद नईम अंसारी भाई, नईम अंसारी जो सारण बिहार से है, यह क्या है कि 60% लेकर के आए। उसके बाद संजू कपूर जो कहां से है, पटना से, ये क्या है 65% लेकर के आए। चलिए उसके बाद दिखाते हैं आपको 60% में जो नंबर एक पे है दोस्त, वो है गौतम भाई जो पंजाब से है 60% में। उसके बाद राज ही रहता है, लोकेशन बिल्कुल मेंशन नहीं करते हैं, गलत है दोस्त, लोकेशन मेंशन क्या कीजिए, 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है ज्योति शॉ जो कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल से, ये क्या है कि 60% लेकर के आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको जो दे दिया है ये लवकेश भाई जो कहां से है, आपका बिहार से, ये 60% लेकर के हैं। उसका एमडी सकीब ये 60% लेकर के हैं। सुधीर कुमार, ये भी क्या है आपका जो है सुधीर भाई, ये सुधीर कुमार कहां से है ये पता नहीं है, बट 60% लेकर के हैं। मुकेश कुमार जो हाजीपुर से, हजारीबाग से है, ये 60% लेकर के हैं। ब्रेंदर भाई जो नालंदा से, ये भी क्या है कि 60% लेकर के हैं। उसके बाद पटेल जी एएलपी वेस्ट चंपारण से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के हैं। उसके बाद धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो 55% वालों का लिस्ट है। चलिए 55% वालों का लिस्ट में देख लीजिएगा, एक तो धीरेश चंद्र भाई हो गए सोनभद्रा से। दूसरा नंबर देखिए ये इसके झा पटना वाले, देखिए ये इसके झा का जो है यहाँ पे टेस्ट में आ गए हैं, इसके झा सर हमारे टेस्ट में आए हैं, यहाँ टेस्ट दिए हैं, देखिए 55% लेकर के आए हैं। देखिए इसके झा सर जो है रेलवे की बहुत अच्छे तैयारी कराते हैं वो, और वो तो टेस्ट दे ही नहीं सकते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि वो खुद जो है तैयारी करवाते हैं दूसरे लोगों, तो ये यहाँ आ ही नहीं सकते। ये किसी ने फेक आईडी से ये बनाया है दोस्त, ऐसे ना किया करो, सर का जो है अच्छे हैं सर, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो ऐसे सर का नाम लेकर के टेस्ट मत दिया करो। ठीक है, गलत है, अपना नाम डालिए और लोकेशन डालिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताते हैं, वो भी 55% में है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं, जो भी हो अपना नाम लोकेशन नेक्स्ट टाइम से सही डालिएगा। अमरनाथ है, अमरनाथ बिंदी जो कहां से है, ये क्या है कि गाजीपुर यूपी से है, या कि ये 55% लेकर के आए। उसके बाद विकास है जो हाजीपुर से, बिहार से, 55% में है। उसके बाद अंकज है, अंकज कुमार जो समस्तीपुर से है, ये भी क्या है कि 55% लेकर के आए। दीपक भाई कहां से हो ये पता नहीं है, दीपक पांडे 55% लेकर के आए। दोस्तों लोकेशन डालना जरूरी है। उसके बाद जो है आपका जो है क्या है कि आरजू तमन्ना जो बीजीएस पता नहीं कहां से है, ये भागलपुर से पता नहीं कहां से है, 55% के लिस्ट में है। एमजी आजाद अंसारी जो बेगूसराय से, ये भी क्या है कि 55% में है। भूपेंद्र भाई जो यूपी से, ये भी क्या है कि 55% में है। ठीक है,
तो दोस्त ऐसे एप्लीकेशन पे जब भी टेस्ट दीजिएगा तो इसी तरह से अपना नाम और लोकेशन जरूर मेंशन कीजिएगा उसमें टेस्ट में, ठीक है। अगर नहीं हो तो नाम एडिट कर लीजिएगा उसमें, नाम और लोकेशन एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नाम आप इंटर कर रखे होइएगा वही नाम टेस्ट में आएगा। तो नाम के जगह पे क्या कीजिएगा, नाम और ऑब्लिक करके उसमें अपना लोकेशन डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक ही नाम से कई रहेगा, पता नहीं चलेगा किसका क्या नाम है नहीं है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, दे दिया है आर के गुज्जर जो राजस्थान से 55% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है सूरज शर्मा जो अयोध्या से, ये भी 55% लेकर के आए। रोहित जो बिहार से, ये भी 55% लेकर के आए। चलिए 50% वालों का लिस्ट देख लीजिए। 50% में जो नंबर एक पे है ये संतोष रोहतास से है, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। कालीनाथ भाई, कालीनाथ भाई कहां से, रांची से, ये भी 50% लेकर के आए। रवि साहू जो यूपी से, ये भी 50% लेकर के आए। रोशन कुमार, रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से, ये भी 50% लेकर के आए। उसका मुन्ना दे दिया है, मुन्ना राज यादव जो कहां से है, नवादा बिहार से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिएगा मनोज, मनोज मरांडी जो कहां से, आपका जय झारखंड से, ये भी 50% लेकर के आए। सचिन भाई, सचिन भाई जो लखीसराय से बिहार में पड़ता है, 50% लेकर के आए। मुकेश सौ वेस्ट बंगाल से, ये भी 50% लेकर के आए। अनिल कुमार जो नवादा से, ये भी क्या है कि 50% लेकर के आए। रंजन कुमार जो झारखंड से है, रंजन भाई झारखंड से, ये 50% लेकर के आए। चलिए 45% वालों का लिस्ट में हम आपको नाम बताते हैं फटाफट। 40% में जो है दोस्त सुदर्शन भाई है। सुदर्शन भाई कहां से है, ये लोम्बोरे से है, ठीक है, जो कोहलपुर में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट एक बार मेंशन कीजिएगा दोस्त, कुछ पता नहीं चलता लोकेशन। अनिल कुमार जो सुपौल से है, 1, 2, 3 दे करके हैं 45% में। उसके बाद पवन, पवन जो भागलपुर से है, ये क्या है कि 45% लेकर के आए हैं, ठीक है। चलिए केबीसी यूपी से है, कौन बनेगा करोड़पति में है, ये भी शामिल हो चुका है 45% में। उसके बाद देव कुमार गुमला जो झारखंड से, ये भी 45% लेकर के आए हैं। सिकंदर भाई जो कहां से है, भागलपुर से, ये भी 45% लेकर के आए। राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा कहां से हो भाई, पता नहीं है, लोकेशन मेंशन क्या कीजिए, 45% में है। अंजलि अग्रवाल जो सीतामढ़ी से है, ये 45% लेकर के आई है। इंदल भाई, इंदल कुमार जो बिहार से है, ये भी 45% लेकर के आए हैं। उस पर मुकेश है जो देवघर से है, झारखंड में है, ये भी क्या है 45% लेकर के आए हैं। उसका विपिन कुमार, विपिन भाई हो कहां से, ये पता नहीं है, कुछ लोग लोकेशन मेंशन नहीं करते हैं, दिक्कतें है दोस्त। लोकेशन जरूर मेंशन क्या कीजिए कि कहां से है कहां से नहीं है। जावेद आलम जो कहां से है, उत्तराखंड से, ये क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। तो 40% वालों का लिस्ट में देखिएगा, नंबर एक पे जावेद आलम है। दूसरे नंबर पे देखिएगा अंकित राज जो कहां से, आपका बेगूसराय से है, ये भी 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद पी कुमार, पी कुमार जो है कहां से, धनबाद से, झारखंड में, ये 40% लेकर के आए हैं। पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये भी 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद प्रवीण भाई, प्रवीण भाई जो कहां से, प्रवीण वर्मा जो हनुमानगढ़ से ही है, ये भी क्या है 40% लेकर के आए। बमबम भाई, बमबम भाई जो लखीसराय बिहार से, ये भी 40% लेकर के आए। उसके बाद विपिन भाई जो यूपी से है, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए। 30% वालों का बताते हैं लिस्ट मेरा। 30% में जो नंबर एक पे है दोस्त, ये है शक्ति, शक्ति कुमार जो नालंदा से है, ये है। उसके बाद आपको बताते हैं शेखा है, ठीक है, अतुल अलील क्या दे दिया है, हाँ अली उल दे दिया, अली उल शेख है, 35% लेकर के आया। उसके बाद जो है धर्म मीना जो कोटा से, राजस्थान से, 35% में है। उसके बाद राजेश भाई, राजेश जो है कहां से, बक्सर बिहार से, ये भी 35% में। पूर्णिमा सिंह जो बिहार से, ये भी 35% लेकर के आई है। उसके बाद एस के भारती जो बिहार यानी बिहार से, सिवान से, ये भी 35% लेकर के आए। उसके बाद देखिएगा संदीप पानी है, ये प्रयागराज से है, यूपी में है, 35% लेकर के आए। उसके बाद यह है कृपाल है, कृपाल जो जौनपुर से है, ये भी क्या है कि 35% में है। 30% में देखिएगा, 30% में आप जो है एक आदमी है, हरेंद्र है, हरेंद्र जो कहां से, आगरा यानी यूपी से, ये क्या है कि आपका 30% लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा जितेंद्र कुमार जो मांडला से है, ये क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद राहुल यादव जो नालंदा से है, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। लक्ष्मण भाई जो डेमो टेस्ट भी ऐप पे दिए हैं, इनका नाम हमने देखा है, 30% में है। चलिए अभी देख लीजिए कि 25% के लिस्ट में जो शामिल है दोस्त, फर्स्ट नंबर पे है अंकित राव जो जौनपुर से है। उसके बाद अक्षय भाई, अक्षय जो बोकारो से है, ये भी क्या है 25% में। अभिषेक जो कहां से, आपका भागलपुर से, भगवानपुर से, अच्छा भगवानपुर से है, ये क्या है कि 25% में। उसके बाद अतुल कुमार जो यूपी से है, ये भी क्या है कि 25% में। आशीष बैंक जो भुवनेश्वर से है, ये भी क्या है कि 25% में है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दिया है, बहुत लोगों का आज टेस्ट भी नहीं खुला होगा क्योंकि जल्दी पूरा हो गया था 100। चलिए हरिओम, हरिमोहन, हरिमोहन कहा है इसके लखनऊ से 25% में है। जितेंद्र कुमार, जितेंद्र भाई जो यूपी चंदौली से है, यदि क्या है कि 25% में है। आशुतोष जो पटना से, यदि क्या है कि 25% में है। आशीष विक्स जो भुवनेश्वर से है, ये भी क्या है 25% में है। उसका टिंकू जो नवादा से, ये भी क्या है कि 25% में। 20% वालों का लिस्ट में नाम बताते हैं। 20% में जो लिस्ट में नाम है, नंबर एक पे जो है सुधीर कुमार जो पटना से है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है विराट यादव जो कोटा से, राजस्थान से है। उसके बाद जो है आपका तरानी, तरानी जो बोकारो झारखंड से है, ये है कि 20% में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पवन कुमार, पवन कुमार जो कहां से है आपका यूपी से, ये 20% में है। उसके बाद जो है 15% में बताते हैं, 15% में लिस्ट में देखिएगा। पहले नंबर पे है सुनील ज्योति जो कहां से, गोपालपुर पटना से है, ये 15% लेकर के आए हैं। विकास खगड़िया से है, ये भी 15% लेकर के आए हैं। प्रिया समस्तीपुर से है, ये भी क्या है कि 15% में है। उसके बाद सागर एम दे दिया है, सागर एम जो है क्या है आपका कि 15% है आपका, तीन नंबर है 20 में। उसके बाद देख लीजिएगा इसमें 10% वालों का लिस्ट में जो नाम है, नंबर एक पे है ओमकार बरेली से है ये। उसके बाद नीरज, नीरज कहां से है, ये कोदरमा से है, ये भी क्या है कि 10% लेकर क्या है। उसके बाद जो है जय हिंद शर्मा वाराणसी से है, पांच परसेंट लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिएगा उसके बाद जो है एमडी राजीव वर्सी जो मुजफ्फरपुर से है, दो बार दे दिए है, एक तो पहले ऊपर ही दे दिए है, 0% है, चेकआउट कर लिए थे। दीपक राजगढ़ अलवर से, राजस्थान से, ये भी जो है 0% पे। उसके बाद मिलिंद भाई जो कहां से, महाराष्ट्र से, ये भी चेकआउट करके छोड़ दिए हैं, तो ये 0% है। दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में भाग लिया है और इन लोगों का स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो टेस्ट में दोस्त ऐसे ही क्वेश्चन है जो एएलपी और टेक्निशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे भी आपको दिया हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, उस पर ये पीडीएफ स्कोर कार्ड आते रहता है, तो आपको स्कोर कार्ड प्राप्त हो जाएगा वहां पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर टेस्ट देना है तो एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, स्पेशल साइंस के लिए ही टेस्ट कराया जाएगा, क्योंकि साइंस कंप्लीट करवाएंगे 40 में 40 मार्क्स दिवाने के लिए। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, कर लीजिए, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए फिर इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।